फोन रख दिया करो। भाई कहाँ है? पता नहीं, अपने कमरे में होंगे। राजा, दो तीन दिन से रोमियो यूनिवर्सिटी से आके सीधा अपने रूम में चला जाता है, किसी से बात भी नहीं करता है, और खाने का पूछो तो कहते हैं मुझे भूख नहीं है। ये सिम्टम्स तो सारे मोहब्बत वाले हैं। मसला ये है कि मेडिसिन ने इतनी तरक्की कर ली कि हर जहनी बीमारी का इलाज ढूंढ लिया सिवाय मोहब्बत। मैं तो सारा दिन इंतजार करती हूँ कि वो मुझसे कुछ मांगेगा, मगर वो मांगता ही नहीं। हाय, मुझे आपकी गाड़ी चाहिए ड्राइवर के बगैर। क्या? शुक्र है तुमने मुझसे कुछ मांगा। ये लो गाड़ी। तुम चाहो तो बेशक मेरी गाड़ी ले जाओ। नहीं डैड, थैंक्स। वो क्या है ना, आपका मॉनिटर। जी राजा, मुझे लगता है कि उस लड़की के चक्कर से निकल गए। देखो, मर्ज कोई भी हो ना, चाहे मोहब्बत का ही क्यों ना, उसको शुरू में पकड़ लो तो प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है। हेलो हीर। हाँ यार, ये तो काफी तंग सा रास्ता है। तुम्हारे घर आने का इससे ज्यादा खुला रास्ता कोई नहीं है क्या? क्या ये सबसे खुला रास्ता है? अच्छा आता हूँ, एक मिनट। अरे भाई थोड़ा उधर करो ना यार। अरे ओ बाबा, इसको कंट्रोल करो यार, एक मिनट। हेलो हीर। आप हाँ हीर, तुम प्लीज किसी को अपने घर से भेज दो। हाँ ठीक है, मैंने गाड़ी यहीं साइड पे पार्क कर दी है। ओके परफेक्ट, ओके बाय। ओए तेरी खैर, जबरदस्त है। क्या पर्सनैलिटी है जनाब, सुपर है जी, सुपर। थैंक यू जी, थैंक यू। हीरबाजी, मेहमान आ गए। सलाम अलैकुम। नजर भाई, पहचाना इनको? ये वही है जिन्होंने कैंटीन में आपकी बेइज्जती की थी। चुप, चुप कब अकल आई? आप आए, बैठिए ना प्लीज। आफ्टर ऑल मैं दमाद हूँ।
कोई इज्जत ही नहीं है मेरी। मतलब जो मेरी इस घर में बेइज्जती करेगा उसको इस घर में इज्जत मिलेगी, ये गल मेरी समझ से बाहर है। बाहर है, शुक्र है। अब नजर भाई, रोमियो आपकी बहुत इज्जत करता है। रोमियो करके दिखाओ। क्या? ओह, अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ये कोई इज्जत नहीं, अच्छे खासे यंग आदमी को अंकल कह दिया, बल्कि मजीद बेइज्जती की बात है ये। माना मैं उम्र में तुमसे थोड़ा ही बड़ा हूंगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं मुझे अंकल कह दो। रोमियो भाई आप बैठे भाई। नजर भाई आए, मैं आपको इनकी गाड़ी दिखाता हूँ, ईमान से देखकर खुश हो जाएंगे आप। क्यों, इसकी गाड़ी लतीफे सुनाती है? जी मैं हीर की बड़ी बहन सोनी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। अब और ये मेरी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम जी। और ये, मैं नाराज हूँ, ये इनका नाम नहीं काम है। नजर बेटा जरा इधर आना। एक्सक्यूज मी, हाय, जैसा हीर ने बताया था आप तो बिल्कुल वैसे ही, बल्कि उससे भी ज्यादा हैंडसम। तो आप दोनों कैसे मिले? हमारी पहली मुलाकात एक्चुअली पानी के शॉपर ने कराई थी। इतना ठंडा पानी फेंक दिया, ऊपर से कैंपस का पानी इतना गीला भी होता है। हीर मुझे पानी मत फेंकना प्लीज, ये अनहा जाने के प्लीज। हीर अच्छा तुम्हारे लिए मिनरल वाटर लाऊं? बाथरूम का है। ये क्या किया तुमने हीर? पानी फेंका तुम पर, आइंदा मुझसे पंगा मत लेना। हीर से पंगा ना चलेगा। रोमियो भाई आपने जूते कितने के लिए? 80,000 के। 80,000 के? मुझे बता देते, मैं थोड़ी रियायत करवा देता आपको। गाड़ी की चाबी तक दी ना तक दो। नहीं, वो मैंने देखना है कि आपने गाड़ी सही तरह पार्क किए या नहीं किए। इसको गाड़ी की चाबी देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। आजा बेटे, ये देख, मेहमानों के सामने शर्म के मारे तू खाता नहीं ना, ये तू खा ले, तब तक हकीम साहब भी आ जाएंगे। कुछ मुझे पेटू समझा हुआ? मेहमानों को दे दे। भाई इरशाद तुम इधर इधर आओ, मुझे खिदमत करने दो। खिदमत करूं? ये लो, ये खालिस हरपड़ का मुरब्बा है, हमारे दवाखाने जैसे मुरब्बे और कहीं नहीं मिलते। ये लो खाओ ना भाई, चाहिए हो तो मंगवा लेना, दवाखाने से मुफ्त है, खाओ चबस चबस चबस। और हाँ, ये माजून है, माजून है, ये खाओ, इससे दिमाग तेज होगा, खाओ ना। हकीम साहब आपने तो पूरा दवाखाना ही खोल लिया यहाँ पे। रोमियो ये हीर ने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई है, खाओ ना। अच्छा मैंने क्या बनाया, मुझे भी चखाना। अरे रोमियो भाई आपने
समोसे खाएं। लाइन में लग के लेने पड़ते हैं, बड़ा रश होता है शाही समोसे वाले की दुकान पर। अरे मैं आपकी गाड़ी देख कर आता हूँ, कहीं लड़कों ने लाइन नहीं मार दी हो क्या? अरे आप टेंशन नहीं ले, मैं हूँ ना। ओवर हो गया। ओवर होने की तो तुम फिक्र ही ना करो, ऐसी फक्की दूंगा कि सब क्लियर। ही बेटा अंदर से जाके ना कमरे से वो नीले रंग की वो फक्की वाली बोतल लेके आ। नहीं 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 अंकल, मेरा पेट एकदम परफेक्ट है, एकदम गुड। अच्छा ठीक है, और तो ठीक वाली फक्की भी है, वो सफेद वाली बोतल लेके आना। नहीं ठहरो, मैं खुद लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ। तुम्हारे वाले साहब क्या करते हैं? मेरा मतलब है तुम लोग आफ्टर ऑल मालदार लोग हो, वो तो कुछ नहीं करते होंगे। जी नहीं, मेरे डैडी डॉक्टर हैं। लो डॉक्टर है, मेरी फूफा का बेटा भी डॉक्टर है। हमारे इलाके में किसी की मुर्गी बीमारी से नहीं मरती, इतना अच्छा डॉक्टर है। हट 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 हट, ये लो बेटा ये फक्की लो, फक्की खाओ फक्की। अभी ठीक हो जाएगा, अगर ठीक भी है ना तो और ठीक हो जाएगा। ये ले 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 ले, पानी 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 पानी, शाबाश शाबाश। अभी ठीक हो जाएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। माशाल्लाह कितने भाई हो तुम लोग? जी मैं इकलौता हूँ। मैं भी अपने दो छोटे भाइयों का इकलौता भाई। चलिए जी मैं चलता हूँ, बहुत लेट हो गया। अरे रात के खाने तक तो रुकते ना। जी नहीं जी, मुझे कुछ काम है। तुम्हारा भाई मेरी गाड़ी की चाबी ले गया। सत्यानाश, मना किया था अफलातून को चाबी मत देना अपनी गाड़ी की। अफलातून अफलातून अफलातून।